नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन। तो देखिए, अब बड़ी खबर कांग्रेस के हवाले से आ रही है। जी हां, यहां पे देखिए कि आपको पता होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त इटली में हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे वो क्यों गए हैं इटली, क्योंकि मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कि CWCT की मीटिंग थी, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 31 अगस्त को मीटिंग थी, और उस मीटिंग को तीनों माँ बेटों ने, यहाँ पे जो मीटिंग थी उसको अटेंड किया था, इटली से वर्चुअल मीटिंग को अटेंड करा था। अब यहाँ पे देखिए, काफी आरोप लग रहे थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कि देखिए वो इतनी बड़ी मीटिंग थी और यहाँ पे मौजूद नहीं रहे थे। तो इनका पूरा जो आरोप लग रहे थे उनको ठंडा करने के लिए जयराम, कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश का देखिए एक ट्वीट आया। उसमें ट्वीट में जो लिखा था उसको सुनकर काफी लोग अचंभा हो गए, सब देखिए थोड़ा सा वो उदास भी हो गए, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। खबर क्या थी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो सोनिया गांधी है, उनकी माँ का नाम है पाउला माइनो। अब यहाँ पे देखिए कि जो वो रहती है, कहाँ रहती है, इटली में रहती है। तो अब 27 अगस्त यानी कि शनिवार को उनका निधन हो गया था। जी हाँ, यहाँ पे जो सोनिया गांधी की माँ थी उनका 27 अगस्त को ही निधन हो गया था। और यहाँ पे वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है, तीनों उस वक्त फिर वहां पे इटली गए थे। तो इसलिए देखे वो वर्चुअली वहां पे जुड़े थे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में। और 27 अगस्त के बाद ही देखिए 28 अगस्त को ही उनका पूरा अंतिम संस्कार जो भी ईसाई रीति रिवाजों से वो हुआ था पूरा। तो इसमें देखिए, यहीं पे मैं जो पूरे ट्रोलर्स थे जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को बोल रहे थे देखिए कितनी बड़ी मीटिंग थी तो भी वहां पे नहीं, तो देखिए उनको शांत किया गया। फिर वो भी देखिए उनके साथ सद्भावना उनको प्रकट कर रहे थे गांधी परिवार को बाद में। और यहाँ पे सोनिया गांधी काफी उदास भी दिख रही थी मीटिंग में, तो खैर वो आई नहीं, लेकिन हाँ ऐसा बोला जा रहा था कि काफी उदास है इस वक्त, वो सदमे में है और उस सदमे से अभी उभर नहीं पाई है। देखना ही होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर इसका क्या असर होता है, क्योंकि इस वक्त वो इटली में है और भारत अभी नहीं आए हैं। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो डिसीजन जो हुआ था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव होगा वो भी देखिए अक्टूबर में तय किया गया कि अक्टूबर में होगा, और ऐसा हो सकता है कि पूरे महीने यानी कि सितंबर से अक्टूबर तक वो सोनिया गांधी जो है वो इटली में रहे, अपनी माँ के घर रहे। और अब देखना ही होगा कि वापस कब आते हैं और कांग्रेस की पदभार कब संभालती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।